सर अब सीए को एनआरसी और एनपीआर के थ्रू जोड़ने की बात कर रहे हैं, जी लेकिन अभी हाल ही में अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था वहां पे उन्होंने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनआरसी इन दिस लॉ एंड देयर इज दिस लॉ विल नॉट टेक अवे एनीवन सिटीजनशिप। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा एनआरसी होगा? नंबर वन, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। हाँ वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ। 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम है, उसको आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है वो क्या करेंगे? सर 7 चरणों में चुनाव की बात हो रही है अभी नहीं मालूम आशीष, अभी नहीं उन्हें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मैं हुसैन खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।